जैसे आप लोग तो देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएससी जेडी वाले बच्चों के लिए कमेंट का जवाब देंगे, ठीक है दोस्तों। कि जो जो बच्चे कमेंट पूछे हैं तो उसका हम रिप्लाई नहीं कर पाए हैं, जिसका जिसका उसका हम नाम के साथ साथ में उसका जवाब देंगे कि कौन सा बच्चे किस वीडियो पर कौन सा कमेंट पूछे हैं, तो उसका सटीक हम जवाब देंगे दोस्तों, ठीक है। अगर आपको भी कोई भी बात पूछना हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, फिर हम उसका जवाब हम अगले वीडियो में हम आपको दे देंगे, ठीक है दोस्तों, और नाम के साथ में देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इससे, ठीक है दोस्तों। जो भी पूछना है वो खुल करके पूछिए, लेकिन कमेंट करना है तो आप सोच समझ कर सही कमेंट कीजिए, ये नहीं कि उल्टा सीधा कमेंट कीजिए, ठीक है दोस्तों। कई लोग करते हैं, अपना संस्कार दिखाते हैं कि उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, तो वो तो होता है कि 100 में 1% 2% वैसे लोग होते हैं जो कि ओवर संस्कारी होते हैं, तो वो कमेंट कुछ भी कर देते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, जिसमें कमेंट में कट ऑफ, नाम की गलती, ज्वाइनिंग डेट आदि का जवाब देंगे, इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है। अगर आप भी अगर कुछ भी पूछना चाहते हैं तो ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में करें कमेंट। हम आपको अगले दिन अगले वीडियो में जैसे हमें टाइम मिलेगा वैसे हम आपको कमेंट का जवाब दे देंगे, सारे लोगों का कमेंट इकट्ठा करके दोस्तों, ठीक है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि देखिए सवाल से ही जो आपका सवाल है वहीं एसएससी जीडी के अगले बच्चे का भी सवाल होगा। हो सकता है कि आपके जैसा वो भी सवाल पूछा है, तो आपके पूछने से पहले जवाब मिल जाएगा दोस्तों। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम आपको बता दें कि ये देखिए यहाँ पे है आपका नाबादास, पता नहीं ये किस स्टेट के हैं नाबादास। तो देखिए ये है कि सर मैं आसाम से, देखिए इसमें स्पष्ट लिख दें, सर मैं आसाम से हूँ, एससी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेडिकल फिट हूँ, कट ऑफ से 5.24 ज़्यादा है, फाइनल सिलेक्शन होगा, प्लीज़ सर बताइए। जी हाँ, अगर आपका 5.24 नंबर अगर ज़्यादा है तो आपका फाइनल सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। हम ऑल ओवर स्टेट का अगर बात करें, पूरे भारत की बात करें, तो अगर 5 नंबर अगर ज़्यादा हैं तो कोई नहीं रोक सकते हैं, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो दोस्तों, ठीक है। हाँ, अपवाद में होगा कि किसी किसी स्टेट में, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट का, जैसे कि जनरल डिस्ट्रिक्ट का हो गया, तो किसी स्टेट का जनरल डिस्ट्रिक्ट का ही अगर जाएगा तो अगर 6 से 7 नंबर जा सकते हैं, इससे अधिक नहीं, रेयर केस में। लेकिन अगर आपका 5.24 है दोस्तों, तो नाबादास जी आप एकदम कन्फर्म हैं कि आप सेफ हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए अब आगे हम बात करते हैं किसका है। तो देखिए ये हैं हम ज्वाइनिंग के ऑफिशियल नोटिस, इंग्लिश टू हिंदी में अपडेट किए थे, जो नोटिस आया था ज्वाइनिंग के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसमें ये पूछा है कि मेरिट तो आने दो, ठीक है भाई, मेरिट तो आने दो, उससे पहले पूछना और बता देना, दोनों मतलब कि सही काम है, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि अगर उस समय आप डॉक्यूमेंट सही नहीं कर पाएंगे तो क्या दिक्कत तो हो जाएगी ना, तो ठीक है मेरिट आने दो दोस्तों, आपका कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आगे, एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ हम बनाए थे स्टेट के लिए 2015 की तुलना में 2018 की, ठीक है दोस्तों। देखिए इसमें है शोल्डर, शोल्डर के नाम से यह है, तो आसाम के ओबीसी मेरिट कट ऑफ कितना जाएगा सर? देखिए आसाम का ओबीसी मेरिट कट ऑफ इतना तो अभी ध्यान पर नहीं है, लेकिन मेडिकल के लिए जो कट ऑफ बना है, अगर आप उससे 2 से 3 नंबर अधिक हैं दोस्तों तो आप सेफ हैं, ठीक है शोल्डर जी। तो आइए अब अगला कमेंट देखते हैं क्या है। देखिए अगला कमेंट यहाँ पर ये क्या है, सचिन ओहरिया किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये भी किया है उसी वीडियो पर जो 2015 की तुलना 2018 कट ऑफ बताया था, सर मेरिट कितने नंबर तक बढ़ जाएगी सर बताओ। देखिए मेरिट का कितने नंबर तक बढ़ेगी, हम तो ऑल ओवर में बता दिए कि अगर आपका 2 नंबर से अधिक हैं तो आप सेफ हैं दोस्त, ठीक है। तो मेरिट कितने नंबर तक बढ़ेगी अभी कोई अंदाज़ा नहीं है, एक्सपेक्टेड ही बढ़ सकती है, मतलब एक्सेप्टेड ही बढ़ सकती है, मतलब कि हम लोग भी एक्सेप्टेड ही बता सकते हैं, लेकिन 2 नंबर से ज़्यादा हैं तो आप सेफ हैं, क्योंकि अब बच्चे ज़्यादा नहीं बचे हैं दोस्तों, ठीक। अगर आगे बात करें, देखिए ये हैं बेटी राय जी, उसी वीडियो पर कमेंट किया है, तो ऐसा नहीं होगा इस बार, नॉर्मलाइजेशन के ऊपर से होगा नॉर्मलाइजेशन, इसका हम तो भाषा समझ नहीं पाए, सॉरी दोस्त, क्षमा कीजिएगा। अगर आगे हम बात करें, देखिए ये एसएससी जीडी ज्वाइनिंग का ऑफिशियल नोटिस का पर जो वीडियो बनाए थे उसमें पूछा है कि पीआरसी में सर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, शंकर SHANKAR होना चाहिए था, तो SHANKER हो गया है, कल क्या होगा सर, कोई प्रॉब्लम है? देखिए अगर आपका रिजेक्टेड लेटर नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, अगर अभी तक नहीं आया तो, अब शायद हो सके तो आएगा भी नहीं, लेकिन देखिए इसका भी उच्चारण शंकर होगा, इसका भी उच्चारण शंकर होगा, तो कोई उतना दिक्कत नहीं हो सकता है दोस्त, ठीक है। आगे देखिए ये क्या है कि एसएससी जीडी में आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा, ये पोस्ट वाइज हम बनाए थे, ठीक, कि आपका कौन सा पोस्ट मिल सकता है किस आधार पर, तो उसमें नाबादास जी हैं, इसमें सर मैं आसाम से हूँ, एससी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मेडिकल फिट हूँ, कट ऑफ
देखिए आपका तो पहले भी कमेंट आया था तो उसका हम जवाब दे चुके हैं दोस्तों, ठीक है। अगर देखिए अगर आगे की हम बात करें तो देखिए इसमें उसी वीडियो पर है कमेंट इसका, सर क्या अभी भी रिजेक्टेड लिस्ट आ रही है रिप्लाई में? देखिए रिजेक्टेड लिस्ट अभी तो सुनने में नहीं आ रही कि आ रही है, लेकिन अब आना भी नहीं चाहिए क्योंकि देखिए सबका रिजेक्टेड लिस्ट तैयार हो गया होगा, तभी तो रीमेडिकल का डेट आ गया था 24 तारीख को। तो मान लेते हैं कि 24 तारीख का डेट आया था तो आपका अगर 14 से भी छोड़ा रहता रिजेक्टेड लिस्ट तो 20 तारीख तक आ जाता, 21 तारीख तक आ जाता, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक नहीं आएगा तो अब आएगा भी नहीं, लेकिन अब देख लीजिए अब उनका मन का कौन दा जानता है। अगर आप फिट हैं तो आपको बाद में भी दे सकता है रिजेक्टेड लेटर किसी न किसी तरह, अगर गलत होगा तो दोस्तों, ठीक है। अगर देखिए SSGD में आपको पोस्ट किया दिया जाए कैसे पता चलेगा, तो इस वीडियो पर कमेंट किया है कि OBC हाई नंबर जो मिला है वो लोग जनरल में आएंगे क्या प्लीज़। तो देखिए हम इस वीडियो में हम बता चुके हैं दोस्त, ये सर्च कर लीजिएगा मेरे यहाँ पे वीडियो में जा करके, मेरे चैनल पे आकर के वीडियो में जा करके सर्च कर लीजिएगा SSGD में आपको कौन सा पोस्ट क्या दिया है कैसे पता चलेगा। तो देखिए उसमें पिछले साल में ऐसे हुआ था कि अगर आप हाई मेरिट हैं तो OBC से हैं तो जनरल फाइट कर चुके हैं, क्योंकि उसमें 9 नंबर दर्शाया गया है UR कैटेगरी का, तो वो 9 नंबर तो 6 नंबर OBC का, तो 6 नंबर वाले OBC 9 नंबर में क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब कि UR कैटेगरी में। तो इस बार तो ऐसे अभी खुलासा नहीं हुआ, लेकिन इस बार भी होगा ऐसे, ठीक। अगर हम आगे बात कर देखिए, ये हम कहें कि इंग्लिश टू हिंदी में, मतलब हम बताएं कि इंग्लिश में ज़्यादा लोग नहीं समझ पाए इसलिए हिंदी में इस वीडियो में बताएं ज्वाइनिंग में क्या क्या मांगेगा। टेल मी इंग्लिश सर, ये कहें रामकृष्णा वो भरली 9 घंटा पहले का इसका कमेंट है, टेल मी इंग्लिश सर। ओके सर आप इंग्लिश में तो इंग्लिश में उसमें नोटिस आप समझ लीजिएगा। उसके बाद देखिए अगर आगे बात करें तो देखिए ये है, ज़्यादा इसमें कवर नहीं किया है दोस्त, ठीक। तो देखिए ये इसमें है आपका, बताते हैं सर कब होगा ज्वाइनिंग। तो देखिए ज्वाइनिंग तो आपका कोरोना वायरस के चलते सभी काम पोस्टपेंड हो रहा है, तो ज्वाइनिंग भी आपका जून जुलाई में CSF नहीं कराएगा, इससे आगे ले जाएगा दोस्त, ठीक। तो ज्वाइनिंग का अभी कोई डेट कन्फर्म नहीं है। अगर हम आगे बात करें तो सर मैं वेस्ट बंगाल से, ठीक वेस्ट बंगाल से हूँ, SC कैटेगरी से हूँ, बॉर्डर से, मेडिकल का कट ऑफ 40.98 गया था मेरा, 46.24। ओके दोस्त आप एकदम कन्फर्म है कि सेफ है, 5.5 के करीब में आपका नंबर है, अधिक सेफ है, ठीक दोस्तों। राजीव बर्मान है, ये 1 घंटा पहले ही किया है, ठीक। अगर हम आगे देखते हैं देखिए ये किया है, इस पर SSGD के फाइनल कट ऑफ 2015 और 2018 में बनाए हैं, तो इसमें हम 58,000 वैकेंसी के ही हम बात किए हैं, चर्चा किए हैं दोस्तों। तो ये बोला क्या कि जिंतु UTV 2 घंटा पहले जो किया है कि वैकेंसी बढ़ गई है सर, 60,210 टोटल मेल, 50,699 है। देखिए हम आपको बता दें कि वो जो है एडिशनल कैंडिडेट को छोड़कर, क्योंकि एडिशनल का मेडिकल भी अलग करा रहा है, री मेडिकल भी, और उसका मेरिट भी अलग निकालेगा दोस्त, ठीक। तो हम एडिशनल को छोड़ करके हम बताए थे 58,000 वैकेंसी, ठीक है दोस्तों। तो ये एडिशनल को छोड़ करके हम बताएं उसमें 58,000, आप एडिशनल को जोड़ करके कह रहे हैं, ठीक। अगर हम आगे बात करें तो देखिए अब कोई नहीं है दोस्त, अब कोई कमेंट का आज क्या नहीं है, तो इसलिए अगर आप भी कोई कमेंट करना चाहते हैं दोस्त तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब अगले वीडियो में दे देंगे, क्योंकि वीडियो के नीचे रिप्लाई करना थोड़ा कठिन हो जाता है, एक बार में ही ज़्यादा कमेंट आ जाता है, कभी कभी नेट का प्रॉब्लम।